जागृति यात्रा के इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित यात्रा के अध्यक्ष श्री शशांक मणि जी, सभी युवा यात्रियों, देवी और सज्जनों, मैं शशांक मणि जी के पिता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी संयोग से वो मेरे सहयोगी थे संसद में। जब उन्होंने जिक्र किया कि मेरा दो दिन पहले पड़ाव देवरिया में था, तो मैंने पूछा कि देवरिया से आपका क्या वास्ता। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी थे, वो वहाँ से सांसद थे। इस रूप में शशांक जी से मेरा परिचय हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितनी समीपता के साथ इनके पिताश्री को मैंने देखा था, एक निष्कर्ष के रूप में कि एक सुयोग्य पिता का सुयोग्य पुत्र। आपकी इस जागृति यात्रा का जो विवरण मिला, कुछ यात्रियों ने अपने अपने अनुभव सुनाए, एक नाटक की प्रस्तुति भी देखी। आप सबको तो इसके हिस्से हैं, आप सब लोग, स्वाभाविक है, अच्छा लगा होगा। लेकिन मुझे तो, आप लोग तो 24 दिसंबर से चल रहे हैं इस यात्रा के साथ, लेकिन मेरे तो इस यात्रा के साथ आप लोगों को साथ में कुछ ही क्षण मैंने बिताए, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी यात्रियों को इस यात्रा का जो उद्देश्य भी है, एक सार्थक उद्देश्य, उद्यम जनित विकास की सोच पर आधारित, मैं इस यात्रा में शामिल सभी यात्रियों को मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस यात्रा के जरिए हमारे देश में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों को युवाओं की प्रतिभा से जोड़ने के लिए मैं जागृति यात्रा के आयोजकों की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। प्रायः हम सब लोग देखते हैं कि आसपास के माहौल के प्रभाव में एक होनहार व्यक्ति भी अपने विकास की संभावनाओं को समझ नहीं पाता है। मैं मानता हूं कि हमारे युवाओं में अपार संभावनाएं हैं, इसलिए सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां नौकरी पाने के अवसर तलाशने के बजाय हमारे युवा रोजगार देने के अवसर पैदा करें। इसके लिए लोगों के विचारों तथा उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एक बेटी जो दरभंगा से आई, चूँकि मेरा भी वहाँ का संबंध रहा, लगभग 1.5 वर्षों तक मैं बिहार का राज्यपाल था, दरभंगा कई बार जाना हुआ, वहाँ का ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र देखा, लोगों से मिला, एक लगता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, विकास की दौड़ में पीछे।
लेकिन वहाँ से एक उस क्षेत्र की एक हमारी बेटी ने जो अपनी अपनी बात अपनी यात्रा की बात कही, जीवन यात्रा की, उद्यम यात्रा की, बहुत एक प्रेरक। मैं केवल इसलिए उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो मैंने नाम लिया है, लेकिन जितने भी आप सब लोग हैं सबकी एक अपनी अपनी अलग प्रेरणादायी एक सबकी स्टोरी है। मित्रों, सचमुच में जीवन अपने आप में एक यात्रा होती है और उस यात्रा को चलना ही पड़ता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि कैसे चलते हैं, अच्छी तरह चलते हैं, ढीले ढाले होके चलते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, लेकिन वो जीवन यात्रा तो आपको चलना ही है। और चलते चलते जब एक बहुत रास्ता हम तय कर लेते हैं तब अनुभव करते हैं कि जो पीछे की हमारी यात्रा थी उसमें हमने अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, इसको तो हमने बहुत कुछ खोया है, जो उसका उपयोग, सही उपयोग करना चाहिए था, सदुपयोग करना चाहिए था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो हम नहीं कर पाए। बहुत जब आगे निकल जाते, एक हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा। और यदि आप जैसे नवयुवकों के साथ में, यदि आप सब लोग, मैं तो कहूँगा 10 वर्ष का आपका पड़ाव है, जारी रखिए यात्रा को, एक सीमित दायरे तक ना सीमित करें। उद्यमिता अच्छी बात है, लेकिन इसको और भी कुछ इसके दायरे बढ़ाइए और इसको एक, ये यात्रा नहीं बल्कि इसको आंदोलन, यदि आप आंदोलन का स्वरूप दे सकते हैं तो दे दीजिए। ये देश के, आपके प्रति, आप सब के प्रति बहुत मुझे लगता है कि कृतज्ञता व्यक्त करेगा। लेकिन करना है आगे आपको, और उसके लिए जो जरूरत होती है, जरूरत, जिन गुणों की जरूरत होती है वो थोड़ा सा कठिन है, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं भर पे रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन यदि आप अपने काम के लिए ईमानदारी, प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट, और इन चीज़ों पर जब ये चलने लगते हैं तो आपको दिखेगा कि जो हासिल करना है वो बहुत दूरी नहीं है, बहुत जल्दी हम उसको पा सकते हैं। लेकिन शायद हम उस पाने की जो लालसा है, या ये कि शायद उसके, उसमें इतने आनंदित हो जाते हैं, अपने आप को अनुभव करने लगते हैं कि उस, वहाँ से शुरू होती है, ह्यूमन वीकनेस है, वहाँ शुरू होती है फिसलन। फिसलन अर्थात जो हमारी तीन चीज़ों का, जिनका मैंने बात की है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट, उसमें फिसलन, फिसलन मींस ढिलाई आ जाती है। और जहाँ ढिलाई आती है वहाँ जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको बहुत दूर हो जाता है। जिसकी शशांक जी ने बात की, राष्ट्र निर्माण की बात की, कभी कभी मैं कहता हूँ व्यक्ति को करना है तो स्वयं का पहले अपना निर्माण करें, और आप लोग कर रहे हैं अपना निर्माण, अर्थात अपने पैरों पर खड़ा होना। यदि आप कुछ बन सकते हैं, कुछ इस योग्य बन सकते हैं कि आप किसी की मदद कर सकें, तो सबसे पहले तो आपको अपनी मदद करनी होगी। मदद अपनी करनी नहीं होगी बल्कि आपकी अपनी मदद हो जाएगी, और जब आप अपनी मदद करने के योग्य होंगे तो आप दूसरे की मदद के बारे में सोच सकते हैं। ये एक जीवन का एक ऐसा फलसफा है,
और हर किसी के जीवन में यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है. अब उसको लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि एक आंदोलन की बात करें, हम सब लोग अभी देश को आज़ाद हुए 70 साल हुए, आज़ादी की लड़ाई जो थी स्वाधीनता संग्राम, वो भी एक यात्रा का. यात्रा का फल बहुत मीठा होता है. गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी, और कहाँ से शुरू की थी, रहने वाले थे पोरबंदर गुजरात, यात्रा शुरू की बिहार के चंपारण से. और चंपारण से क्यों, क्योंकि उस यात्रा की सार्थकता जो थी वो वहीं से थी. अर्थात यात्रा की जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच से यात्रा यदि आप शुरू करेंगे तो उसमें जो आपका भाव होगा, उस यात्रा की यात्रा को आपकी जो ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा में कभी कमी नहीं आएगी. और इसलिए वो सफल यात्रा हुई. अंततोगत्वा वो ये यात्रा कुछ समय के लिए थी, कुछ एक मुद्दे को लेकर के थी, चंपारण के कुछ वहाँ की प्रॉब्लम्स थी अंग्रेजों द्वारा, उस पर मैं विशेष रूप से नहीं जानना चाहूँगा. लेकिन एक मैंने जो आपको संक्षेप में बात कही कि हर यात्रा का एक अपना महत्व होता है. इसलिए आप सबकी ये जो यात्रा आप निकले हैं, इसका भी अब एक अलग महत्व है. लेकिन उस महत्व को हमेशा ध्यान में रखना, उसके प्रति सजग रहना, ये सब हमारी जिम्मेदारी. और ये इस यात्रा का भाव लेकर के जब हम चलेंगे तो फिर हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं. मुझे लगता है जिसको मैंने कहा कि जब व्यक्ति को अपना निर्माण कर लेता है तो फिर वो इतना सक्षम हो जाता है कि समाज का निर्माण भी कर सकता है और राष्ट्र का निर्माण भी कर सकता. लेकिन ये जो तीन बातें मैंने बताई, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी हालात में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, ये तीन चीज़ें ईमानदारी, प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता, इनको साथ में लेकर के कोई भी काम करेंगे. कभी कभी कहते हैं ये क्या बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाना या अपने परिवार के छोटे बच्चों को सुबह घर से और स्कूल तक छोड़ आना, ये क्या ये परिवार की सेवा है या राष्ट्र सेवा. मैं कहता ये राष्ट्र की सेवा है. इसलिए कि जब उसको आप इस दृष्टि से देखोगे कि ये बच्चे हमारे केवल हमारे तक सीमित नहीं है, ये बच्चे हमारे परिवार में पैदा हुए लेकिन ये राष्ट्र की धरोहर हैं, और इनकी जो मैं सेवा कर रहा हूँ, इनको मैं शिक्षा दिला रहा हूँ, वो राष्ट्र के आगामी भविष्य के लिए मैं इनको तैयार कर रहा हूँ. जब व्यक्ति एक छोटी सी नौकरी करता है, एक शिक्षक होता है, शिक्षक मान के चलता है कि हमें सब कुछ मिलता है, तनख्वाह भी मिलती है, हमारे सीमित आवर्स हैं, हम पढ़ाते हैं, उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन कई शिक्षक टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि उनको पीड़ा होती है जबकि विद्यालयों में यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्राइक होती है, उनके मन में पीड़ा होती है, उनको लगता है कि दे ये बच्चों का भविष्य, जिन बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हम यहाँ नियुक्त किए गए हैं, वो उसमें हम कहीं पीछे हैं. और जब वही टीचर्स मान करके चलते हैं, देखते हैं कि हमारे क्लासेस में इतने बच्चे हैं, 100 हमारे स्टूडेंट्स हैं, 100 में यदि 80 दे आर एवरेज और 20 जो है बिलो एवरेज हैं, और उनकी चिंता जब वो करते हैं विशेष रूप से, वहाँ पर उनका राष्ट्र सेवा का भाव है. कुछ भी नहीं है, एक विशेष रूप से एक इन तीन गुणों के साथ जब आप हर काम को यदि करेंगे, और ये कि जिस काम को हम कर रहे हैं कि वो राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित है, तो वो आपका हर काम जो है वो राष्ट्र निर्माण का कार्य हो जाता है. उसके लिए हमें अलग से कोई काम नहीं करना पड़ेगा. जागृति यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में उद्यमियों को तैयार करने,
और रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य रखे गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने इस अभियान में सफल होंगे। अपना उद्यम चलाने से युवाओं में आत्मनिर्भरता का संचार होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए तैयार करना हमारे देश के पुनर्जागरण का एक अहम हिस्सा है। इसलिए कि आज की तारीख में हमारे देश की आबादी लगभग 65% युवाओं की है। ये युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और इस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए जो आपका अभियान चल रहा है कि युवाओं को उनकी क्षमता का पहचान करा रहे हैं, उनकी प्रतिभा का पहचान करा रहे हैं, ये जिसके कारण ये युवा अपने आप पर भरोसा करने लगे हैं, इनका आत्मविश्वास बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई कि इस जागृति यात्रियों के इस समूह में आधी संख्या हमारी उद्यमशील बेटियों की है। इन बेटियों ने तमाम सीमाओं को पार करते हुए अपने आप को इस मंजिल तक पहुंचाया है। देश की ऐसी बेटियों पर हम सबको गर्व है। आप जिस यात्रा पर निकले हैं, इस यात्रा आप राष्ट्रपति भवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है मुझे नहीं पता है, लेकिन देश का युवा आप सब लोगों से जरूर प्रेरणा लेगा। हमारी संचालक महोदया कह रही थी कि यात्रा की खुशबू जो है गुलदस्तों की बात की, फूलों की बात की, राष्ट्रपति भवन में आज हम बैठे हैं तो उसकी सुगंध यहाँ तक पहुँची है। मैं चाहूँगा कि ये सुगंध राष्ट्रपति भवन तक सीमित न रहे बल्कि पूरे राष्ट्र में फैले। यात्रा के बारे में मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जिन जिन पड़ावों पर आप गए, विवेकानंद राक मेमोरियल, नालंदा, साबरमती तो अभी जाने वाले हैं, ये भारत की हमारी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए स्थल हैं। मुझे विश्वास है कि ये इस यात्रा के दौरान देश की विविधताओं को देखकर आपका दृष्टिकोण और अधिक व्यापक हुआ होगा और उसमें कुछ बदलाव भी आएगा, साथ ही आप सब एक दूसरे के और करीब आएंगे। ये 600 यात्रियों का एक संयुक्त परिवार, ये परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन इनके साथ में एक इंटरैक्शन, कंटिन्यूअस इंटरैक्शन बनाए रखना जरूरी है। ये यात्रा तो आपकी 20 दिन की है, 25 दिन की है, उसके बाद तो वर्ष भर आपको लगभग 11 महीने छूट जाएंगे अलग अलग। उसमें यदि आपकी इंटरैक्शन का जो एक माध्यम है वो फ़ोन द्वारा हो सकता है, लेटर्स द्वारा हो सकता है, मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है, इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इसकी जो उपादेयता है अर्थात इसका जो एक फ्रूटफुलनेस है इस यात्रा का, वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। इंटरैक्शन, आपके अनुभव जो जिनका आपने हम सबसे शेयर किया, ये अनुभव आम जनता के बीच में, और आपको लगता है कि यदि आप आगामी एक वर्ष में, 11वां वर्ष फिर प्रारंभ होगा अभी,
लेकिन इस वर्ष के दौरान अगली यात्रा जब प्रारंभ हो उस यात्रा के दौरान यदि आप इस देश के 5 युवाओं को भी 5 कम से कम 5 युवाओं को यदि प्रेरित करके उद्यमशीलता के मार्ग पर यदि आप ले आते हैं तो मुझे लगता है ये आपकी सब इस यात्रा का सबसे बड़ी जो सार्थकता है या उपलब्धि वो होगी और आप कर सकते हैं, बशर्ते कि एक बार वो लक्ष्य तय कर लीजिए। मुझे लगता है आप सब मिलजुल कर और सही मायने में ये एक जिसको हम कहते हैं कि मिनी इंडिया, सब लोग जानते हैं कि भारत एक विविधता का देश है, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी में से डाइवर्सिटी की बहुत बड़ी एक ताकत होती है। शर्त एक ही है कि एक दिशा में चलें, एक सोच लेकर के चलें, और नहीं तो यही डाइवर्सिटी जो है हमारी रुकावटें, बहुत रुकावटें पैदा भी करती है। देश में कई जगह ग्रास रूट्स इनोवेशन के क्षेत्र में काम हो रहा है, इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे समूह से जुड़ करके आपको उद्यम के नए अवसरों की जानकारी मिलेगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल टेक्नोलॉजी का रचनात्मक उपयोग करके आप सब बहुत से नए उद्यम और उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जागृति यात्रा द्वारा 4000 से अधिक यात्रियों का एक समूह तैयार किया गया है। यह युवा उद्यमियों का एक अच्छा समुदाय है। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि जागृति यात्रा में आगे भाग लेने वाले सभी युवा अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ें, व्यक्तिगत सफलता हासिल करें और राष्ट्र निर्माण के नई कीर्तिमान स्थापित करें। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक उन्होंने सूत्र दिया था हर व्यक्ति के विकास का, अपोदीपो भव, अर्थात हम सबको अपना स्वयं दीपक बनना है। वो जब एक दीपक जलेगा तो उस दीपक से, उसकी लौ से न जाने कितने दीपक जल जाएंगे, और यदि हम स्वयं लेकर के चलें, अपना दीपक लेकर के चलें, हमारा दीपक यदि हम अपना खुद स्वयं में दीपक न बन पाए और दूसरे को प्रकाश देने की बात सोचते रहे, मुझे लगता वो संभव नहीं है। हर कोई आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी नियत पर शक करने लगेगा, वो कहेगा कि आपने तो अपना दीपक जलाया नहीं। ये सूत्र दिया था और मैं सोचता हूँ कि जो आप काम कर रहे वही करिए। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर के और दूसरों के लिए कम से कम एक लक्ष्य बनाइए कि हम 5 उद्यमी जो नौकरी की तलाश में, जो भटक रहे हैं, उनमें प्रतिभा है, क्षमता है, सब कुछ है, सरकार भी आगे आने के लिए तैयार है, उनको केवल प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा कौन देगा? सरकार के केवल बस की, उनके केवल सरकार के बस की बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप उनके प्रेरक बन सकते, किसी को दिखेगा कि भाई आपने भी तो यही काम किया। आज जो ये एक हमारी बेटी दरभंगा की जो बार बार कह रही थी कि हमारे 50 और फ्रेंचाइजी हम देने वाले हैं, तो किसी को भी, मुझे लगता है कोई भी आप सबके साथ में जो शेयर करेगा उसको लगेगा कि भाई ये बेटा है या बेटी जो भी है, ये अपनी उद्यम को इतना ही अगर बढ़ा दिया है तो मुझे लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हर कोई सोचने लगता, उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपकी यात्रा की, आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो लक्ष्य है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।